the symbol of an element. The symbol of an element is the first letter or the symbol of an element is the first letter or the first letter and another letter first letter and another letter of the English name or Latin name of the element. Of the English name or Latin name of the element. English name or Latin name of the element. देखिए ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना किसी भी एलिमेंट के अंदर, जब हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना घूमते रहते हैं. इलेक्ट्रॉन्स कभी टिक कर बैठते नहीं, कहीं पर भी उनका नेचर है लगातार गोल 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 घूमते रहना. किस तरह से घूमते हैं, जैसे कि जो सोलर सिस्टम है तो सोलर सिस्टम में बीचों बीच सन होता है. सन के चारों तरफ प्लैनेट्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं. हाँ, तो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, तो उसी तरीके से बीचों बीच होता है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर सारे के सारे प्रोटॉन भरे हुए होते हैं. प्रोटॉन मालूम है कि क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं प्रोटॉन्स. ऐसे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स. ऐसे ही एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है, उसको न्यूट्रॉन भी बोल देते हैं. तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर भरे हुए होते हैं. हर एक एलिमेंट में ये फिक्स होता है कि उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, वो चेंज नहीं होता कभी भी. ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा फिक्स रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होता. इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते रहते हैं, कभी कोई इलेक्ट्रॉन दे देता है, कभी कोई इलेक्ट्रॉन ले लेता है. ये प्रोसेस चलता रहता है एलिमेंट्स के अंदर. तो प्रोटॉन का जो नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वो हमेशा फिक्स रहता है. उसको हम बोल देते हैं एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर, तो जब हम सिंबल्स स्टडी करेंगे, सिंबल्स ऐसे हो गए. फॉर एग्जाम्पल, हमने ये कहा कि आयरन है, आयरन एक एलिमेंट है. तो आयरन का सिंबल क्या होना चाहिए? Either its first letter or the first letter and another letter. Another letter मतलब अगला letter. तो देखिएगा, अगर iron की बात करें तो वही कायदे से तो iron का symbol I होना चाहिए. लेकिन iron के discover होने से पहले iodine discover हो चुका था. ठीक है, तो iodine को symbol दे दिया गया I. ठीक, तो iodine एक element होता है. जानते हैं iodine क्या होता है? Body के लिए बड़ा ज़रूरी होता है, नमक में होता है. तो इसलिए आयरन को आप या तो आयोडीन को आई मत बोलो. आयोडीन को हम आई बोल चुके हैं, फिर भाई साहब आयरन की डिस्कवरी हो गई, वो मिल गए. बड़ा काम का है, बड़ा मजबूत है. 3500 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है. ठीक है, कुछ भी बना सकते हैं लोहे से. तो ये बड़ा काम का निकला. तो फिर क्या करा कि क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट तो यूज़ हो चुका था, आई तो यूज़ हो चुका था, तो क्या करें? तो फिर ये कहा जाता है कि लैटिन लैंग्वेज में उसको फेरस बोला जाता है आयरन को. तो फिर क्या हुआ, तो उन्होंने फेरस, उसको क्या बोलते हैं, FeRRUS. उन्होंने कहा कि Fe ले लो. तो मेरे भी Fe क्यों नहीं ले लिया? तो फ्लोरीन भी डिस्कवर हो चुका था. फ्लोरीन, फ्लोरीन भी एक एलिमेंट होता है. FLUORINE, इसको F दे चुके थे हम पहले. तो हमने कहा चलो जी Fe ले लेते हैं. तो आयरन के लिए Fe हो गया. कुछ बोल रहे थे? तो ये जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो भाई किसी भी एलिमेंट के अंदर प्रोटॉन रहते हैं फिक्स. अब मैं हर एक एलिमेंट का सिंबल याद रखूं, याद तो रखना ही है. फिर हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद रखूं. सर आयरन का आई आर ले लेते हैं. आई आर भी किसी के लिए था. ठीक है, तो अब क्या हुआ कि हम मतलब सबका एटॉमिक नंबर याद कहाँ तक रखते हैं? तो हमने कहा कि एक ऐसा काम करते हैं, एटॉमिक नंबर तो याद रखने में दिक्कत रहेगी कि नंबर कहाँ कहाँ तक आगे पीछे जंबल होते रहेंगे. तो एक सीक्वेंस बना लेते हैं.
यहाँ पर जैसे सीरियल नंबर लिखते हैं ना, कोई कॉलम बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, सीरियल नंबर लिखते हैं, तो ऐसे लिख दो एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर और इधर लिखो सिंबल ऑफ एलिमेंट, इधर लिखो एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद एटॉमिक नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, यहाँ तक हो गया। अब टेबल कंटिन्यू करेंगे, कहाँ तक जाना है, 20 तक जाना है। ऐसे तो एलिमेंट 117 होते हैं, ठीक है, लेकिन और वो भी कम ज़्यादा होते रहते हैं। कुछ एलिमेंट्स जो है वो गायब हो जाते हैं, नेचर में एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, कुछ नए एलिमेंट्स पैदा होते रहते हैं, अर्थ है ना, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ क्रिएट कर देते हैं। हो सकता है 18 हो सकता है 19, अभी गूगल पर सर्च करोगे आज हो सकता है 118 मिले, कल देखोगे तो 120 मिल जाए, ठीक है, हो सकता है 116 रह जाए। तो हमारे जो काम के हैं 9th स्टैंडर्ड तक हम बस 20 एलिमेंट्स याद करते चलेंगे। आगे लिखे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। उसके बाद लिखिएगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोम, कार्बन, नाइट्रोजन, आगे बोलो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आगे बोलो फ्लोरीन, नियॉन, नियॉन फिर Na, सोडियम, मैग्नीशियम, फिर सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन, फिर ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, 1, 2, 3, 4 जो गिनती है वो तो बच्चा जानता है, गिनती में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसको ऐसे करना हा ही ली बे ब का नौफ नी ना मगाल अर सिर सकल का, ऐसे याद करना। तो ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस बोलोगे नहीं आप, ठीक है। दोबारा सुनो हा ही ली हा ही ली बे ब का नौफ नी, यहाँ पर रुक जाइए, ब्रेक लगा लीजिए। ना मगाल सिप सकल अर का, ना मगाल सिप सकल अर का, ऐसे ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया याद रखने का, कई बच्चे हाइड्रोजन हीलियम नाइट्रोजन नहीं ऑक्सीजन ऐसे करके अटकते हैं, तो अटकना नहीं है, सीधा सीधा याद रखो हाँ ही लिवेब कन ऑफ नी ना लिवेब कन ऑफ नी ना मगाल अर सिप सकल अर, सीधे ही ठीक। तो इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। हमारा सबसे पहले हा है, हा का मतलब हाइड्रोजन, H फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। H का मतलब हीलियम, Li का मतलब लिथियम, Be का मतलब बेरिलियम, बी का मतलब बोरोन, सी का मतलब कार्बन, एन का मतलब नाइट्रोजन, ओ का मतलब ऑक्सीजन, एफ का मतलब फ्लोरीन, एन ई का मतलब नियॉन, एन ए का मतलब सोडियम। ये कुछ अजीब है क्योंकि Na जो है ये वैसा ही है जैसे कि लैटिन नेम है, नेट्रियम कहते हैं उसको, सोडियम को लैटिन लैंग्वेज में नेट्रियम बोल देते हैं। तो ये सोडियम हो गया, Na इज फॉर सोडियम, Mg इज फॉर मैग्नीशियम, Al इज फॉर एल्यूमिनियम,
SI is for silicon, P is for phosphorus, S is for sulfur, Cl is chlorine, Ar is argon, K is potassium and Ca is calcium. ठीक है, आपको याद करना है सर पोटेशियम का लैटिन वर्ड क्या है? क्या बोलो? पोटेशियम का लैटिन वर्ड, पोटेशियम का लैटिन नेम मेरे को सही में मालूम नहीं है, याद नहीं आ रहा क्या था पोटेशियम का, के फॉर थर्ड कुछ याद नहीं आ रहा, बुक में भी मेंशन नहीं कर रखा है, कुछ होता है के फॉर कैलियम, कैलियम जो सोडियम है ना, Na, Na is for नेट्रियम, कॉपर का क्यूप्रम, और कॉपर अपने यहाँ पर लिखा भी नहीं है, क्या गोल्ड मर्क्यूरी लेड टेन ये सब कुछ नहीं लिखे, इनकी ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं, समझ गए जी? तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि हा ही लिवेद कनौफ मी ना मगार सिप सकल अर का, ठीक सर, बेरिलियम, बेरिलियम यू बी ई डबल आर वाई यू U-M, beryllium, ठीक है भाई, निखिल श्वेतांक बताइए क्लियर है यहाँ तक, चले आगे? Yes. ठीक है, चलिए, ओके, अगला टॉपिक आप लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, अगला चलेंगे जब ये मिटा रहा हूँ मैं सारा, एटॉमिक नंबर मैंने आपको अभी अभी बताया, हालांकि एटॉमिक नंबर की भी प्रॉपर डेफिनेशन हम लिखेंगे, एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अब एटॉमिक मास पर आते हैं, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट of all the elements the atomic masses of all the elements are determined by comparing the mass small u
कि जब कार्बन जो है, कार्बन इस पूरी अर्थ का, इस पूरी अर्थ का सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट एटम है, सिग्निफिकेंट एलिमेंट है कार्बन। तो कभी भी कुछ भी ढूंढना शुरू करते हैं तो सबसे पहले ज़मीन की जब खुदाई शुरू करते हैं तो जब भी हम ये ढूंढते हैं ना कि हमको कोई एलिमेंट मिल जाए, तो कोई और चीज़ मिले ना मिले कोयला ज़रूर मिलेगा, ज़मीन की खुदाई में कोयला ज़रूर मिलेगा। और इसीलिए आपको पता भी होगा कोयले की बहुत, मतलब बहुत खाने हैं, और न जाने सिर्फ हमारे कंट्री में ही नहीं, हमारे कंट्री में भी बहुत, मतलब कोल्ड रिच कंट्री है हम भी, तो हमारे कंट्री में भी कोयले की बहुत खाने हैं, झारखंड में, उधर छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, और राजस्थान के भी कुछ एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं वहाँ पर भी। तो जो कोयला ज़रूर मिलता है हमारे यहाँ पर, पेट्रोल वगैरह तो नहीं मिलते, नेचुरल ऑयल नहीं मिलता हमारे यहाँ। तो ये कहा जाता है कि और भी अगर हम कंट्रीज़ की बात करें तो और कंट्रीज़ में भी जब ज़मीन की खुदाई होती है तो कोयला ज़रूर मिलता है। तो कोयला क्या है, वो कार्बन की ही एक फॉर्म है। तो जो कार्बन है वो अर्थ का सबसे अबंडेंट एटम है। तो ये कहा गया कि एटॉमिक मास, एटॉमिक मास का मतलब क्या है, किसी एटम का मास, अरे भाई एटम खुली आंखों से दिखाई तो देता नहीं, उसका मास कैसे ढूंढ कर निकालोगे, उसको जो दिखाई नहीं देता उसको वही मशीन पर रखोगे, उसका मास चेक करोगे कि कितने मास है इसका, तो वो बड़ा मुश्किल चीज़ है। तो क्या करा गया, हमने ये कहा कि भाई कार्बन का मास निकाल लिया जाए। तो कार्बन का मास कैसे निकाला गया, हमने ये देखा कि जो कार्बन है, कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन्स होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कुछ भी ढूंढते हैं तो सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, अर्थ के क्रस्ट में कार्बन मिलता है। तो और इसी वजह से कार्बन जो है, कार्बन क्योंकि इतना ज़्यादा मिलता है, इनफैक्ट आप ये देख लीजिए कि अगर हम कहें ना कि पूरी अर्थ की अगर हम बात करें तो पेड़ पौधे, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, हम लोग, है ना, तो हम लोगों के जो ये बाल हैं, जो स्किन है, जो दांत है, ये कहीं ना कहीं इसमें जो मेजर कंपोनेंट है वो कार्बन है। तो हम लोग भी कार्बन से मिलकर बने हैं। जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स की जो स्किन है किस चीज़ से मिलकर बनी है, वो भी कार्बन से ही बनी है। तो अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मिलने वाला जो एलिमेंट है वो कार्बन है। तो इसलिए ये कहा गया कि अगर एटम का वेट निकालना है, एटम का मास कैलकुलेट करना है, तो कार्बन से कंपेयर करके आप निकाल लो कार्बन से कितना ज़्यादा है, कार्बन से कितना ज़्यादा है, तो हम बता देंगे कि इसका मास इतना हो गया, कार्बन को ओरिजिन ले लिया। कार्बन से कितना कम है, तो हम ये कह देंगे कि कार्बन से इतना कम है। और वो मास कैसे कैलकुलेट करा गया, मास के लिए कभी भी ऐसा नहीं करा गया कि किसी वेइंग स्केल पर रखकर मास उसका कैलकुलेट करा है। मान लिया गया कि एटॉमिक मास कुछ इस तरह से निकाला गया कि जो प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स को लिया, हमने कहा यार प्रोटॉन भी बहुत हल्के होते हैं, प्रोटॉन का एक का मास जो है वो 9.1×10⁻³⁻³ किलोग्राम होता है, मतलब ख़त्म है, कुछ है ही नहीं, है ना, कोई मास नहीं है उसके अंदर। तो ये कहा गया कि जो प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स को पकड़ो, कितने प्रोटॉन्स हैं, चलिए जी 4 प्रोटॉन आ गए, या कार्बन में चलो 6 प्रोटॉन है। अभी लिखा था ना कार्बन का एटॉमिक नंबर, हमने 6 लिखा था, कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन्स होते हैं, और जनरली स्पीकिंग जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अंटेन एंड मिलनेस वो कुछ, मतलब डोनेट ना कर दे इलेक्ट्रॉन्स, या कुछ इलेक्ट्रॉन्स ले ना दे। तो ऐसा हुआ कि कार्बन में 6 ही इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन में 6 ही प्रोटॉन्स, उन्होंने कहा कि भाई न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, तो ये मान लिया जाता है कि ये मास में भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो ये कह दिया गया कि इनको ऐड कर दो और जो नंबर मिलेगा ना उसी को बोल दो आप एटॉमिक मास, उसको मास नंबर भी बोल देते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक मास ऐसे बताया गया, सबसे पहले कार्बन का एटॉमिक मास ले लिया गया कि 12 है, और फिर उसी से कंपेयर करा कि 12 से कितना ज़्यादा आ रहा है, 12 से कितने ज़्यादा है कि इतना ज़्यादा है, तो अच्छा 12 से कितना ज़्यादा है, 12 से अगर मास की बात करी जाए तो ये तो एटॉमिक नंबर लिखे हुए हैं, तो 12 से कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, चलिए तो 22 हो गया। तो हमने ये कह दिया कि 22 इस एलिमेंट का हो गया, तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करके देख लिया गया। तो जब भी कभी जैसे जैसे शुरुआत होती गई और डिस्कवरी होती गई एलिमेंट्स की, तो कार्बन से कंपेयर करके ही उनका एटॉमिक मास बताया गया। इस वजह से डेफिनेशन में बस इस चीज़ को ध्यान रखना। जो इसके न्यूमेरिकल आएंगे उसमें आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऐड करना होगा सीधे सीधे। एक्चुअली क्या है कि हाइड्रोजन जो है वो मोस्ट अबंडेंट नहीं है अर्थ क्रस्ट में, ये उस टाइम जिसने करना चाहा उसने करा। सर क्योंकि एक बार मास निकाल लिया तो वो तो पूरे अर्थ के लिए नहीं हुई है ना, वो तो स्टैंडर्ड वैल्यू हो गई, वो मैं समझ रहा हूँ वो सारी चीज़ें। लेकिन हो सकता है कि हाइड्रोजन बाद में डिस्कवर हुआ और उससे पहले ही कार्बन को ले लिया गया, तो फिर जब एक स्टैंडर्ड वैल्यू चली आ रही थी कार्बन की, तो कार्बन को ले लिया, ठीक है। चलिए जी मैं आगे चलता हूँ इसमें। इसकी जो एटॉमिक मास यूनिट, इसकी जो यूनिट है उसको बोल देते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट को कह देते हैं हम स्मॉल में यू, ठीक है, जैसे न्यूटन को एम बोल देते हैं, जैसे किलोग्राम को केजी बोल देते हैं, ऐसे
अब नोट कीजिएगा आप आगे, एटॉमिक मासेस ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स, कुछ कॉमन एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस देखेंगे। सिंबल एटॉमिक मास टेबल बनाइए, ऐसे लिखें एलिमेंट एलिमेंट सिंबल और एटॉमिक मास। तो हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन यहां लिखा हुआ है, सोडियम नाइट्रोजन ऑक्सीजन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम साथ इनके सिंपल भी लिखें, हाइड्रोजन कार्बन का कॉपर नाइट्रोजन का एन कार्बन का सी नाइट्रोजन का एन ऑक्सीजन का ओ सोडियम का एन ए मैग्नीशियम का एम जी एल्यूमिनियम का ई एन। इनके एटॉमिक मासेस 1, 12, 14, 16, 1, 12, 14, 16, 23, 24 और 27 ये हो गया। ठीक है, सात तो ये हो गए, सात ही और लिखाऊंगा। ऐसा होता है कि जब भी कभी ऐसा करा जाएगा ना, मैंने आपको एक शब्द मैंने यूज करा था जनरली, ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जनरली इक्वल होते हैं। जैसे अब अच्छा हाइड्रोजन का हम कैसे, ये नहीं पूछा, न्यूट्रॉन नहीं होता। ठीक, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी यही है कि जब हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने सोडियम की बात करी तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, एटॉमिक नंबर 11 है, तो 11 एटॉमिक नंबर है तो इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 11 हो गए और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो 12 हो गए। ठीक है, तो इस वजह से दोनों का जो सम है वही एटॉमिक मास के इक्वल होता है, तो 23 हो गए। सेम कहानी एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, वो 13 है, उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कितने हो गए 14 हो गए, 13 + 14 = 27 ऐसा है। ठीक है, तो ये मतलब मोर और लेस समझ लो याद ही करने पड़ेंगे, एटॉमिक मासेस जो है वो याद ही करने पड़ेंगे। उसमें कई बच्चे ऐसा भी लॉजिक लगाते हैं कि अरे जो एटॉमिक नंबर है उसका डबल कर दो ना, वो कई जगह लग भी रहा है। देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, ये 12 हो गया, नाइट्रोजन का 7 है, ये 14 हो गया, ऑक्सीजन का 8 है, ये 16 हो गया, सोडियम का 11 है, 11, 2, 22 होता है, चलो आसपास का हो गया, मैग्नीशियम का 12 है, 24 हो गया। ठीक है, कुछ केसेस में याद कर लेंगे ना, कुछ केसेस में याद कर लेंगे बाकी ऐसे का। उसके बाद देखिए अगला लिखवा रहा हूँ, बिल्कुल समझ में तो आ रहा है। यस सर, परिंदा किधर है भाई, परिंदा के बिना जो है वो मनी नहीं लग रहा है।
मुझे लग रहा है इसकी वो मनाली गया था ट्रिप पर, लग रहा तबीयत वबीयत खराब हो गई कुछ जो आए हैं वहाँ से उनकी सबकी। हाँ तो इनको ठंड वगैरह लग गई वहाँ पर ना, वेदर चेंज हुआ होगा ना इस वजह से तबीयत खराब। सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर। इनके सबके सिंबल्स भी देख लीजिए, फास्फोरस का बी, सल्फर का एस, क्लोरीन का सीएल, कैल्शियम का के, कैल्शियम का सी ए, आयरन का एफ बी, कॉपर का सी। ठीक, एटॉमिक मास लिखे 31, 32। क्लोरीन का 35.5 है भाई। सर वो आइसोटोप होता है ना, तो उसके वो उसका क्या, उसके वो का किसका क्या 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 ये बताओ। जो है ना इसके ना आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स का मतलब क्या है कि ये जो क्लोरीन है ये अलग अलग फॉर्म्स में मिलता है, तीन अलग अलग फॉर्म्स में मिलता है, और फिर उनका एवरेज मास निकाला जाता है, तो वो एवरेज मास 35.5 आ जाता है। इस वजह से मतलब केमिस्ट्री में कोई एक रूल लेकर मत चलना, एक रूल अगर आपने याद कर लिया ना तो उसका एक्सेप्शन तभी जो है वो ऐसे खड़ा हुआ है सांप की तरह कि अच्छा ज़्यादा परफेक्ट बनने की कोशिश कर रहा है कि हो गया, तो वो केमिस्ट्री का समझ में आ गया एक्सेप्शन में हूँ ना अभी। जैसे बोल देते हैं मेटल्स के बारे में कि मेटल्स जो है बड़े स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, मेटल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो तभी आ गया सोडियम, अरे नहीं मैं हूँ मुझे मत भूलो, पोटेशियम मैं हूँ मुझे मत भूलो, सोडियम और पोटेशियम का क्या हाथ में लिया पाउडर की तरह टूट कर गिर गया। ठीक है, मर्क्यूरी होता है ना, तो जो मर्क्यूरी होता है, मर्क्यूरी जो होता है वो एग्जांपल क्या देना चाह रहा मैं बता रहा हूँ आपको, मर्क्यूरी जो है वो मेटल होता है, ठीक है, मेटल तो बड़ा स्ट्रांग होता है, मर्क्यूरी की क्या प्रॉपर्टी होती है, फिसल फिसल कर जाता है ऐसा, है ना, और होता है लिक्विफाइड फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में होता है, बड़ी यूनिक प्रॉपर्टी होती है, टेम्परेचर अगर कम कर दो तो ऐसे सिकुड़ता है, इतना सा रह जाता है नन्ना सा, और टेम्परेचर बढ़ा दो तो ऐसे बढ़ता चला जाएगा, पूरी ट्यूब में ऊपर तक पहुंच जाएगा, ठीक है, और यही उसकी प्रॉपर्टी कहाँ यूज़ करी जाती है, थर्मामीटर में, ठीक है, तो बड़े अजीब अजीब सी चीज़ें हैं। नॉन मेटल को कहते हैं कि नहीं नहीं गैसेस ही होती हैं, ब्रोमीन कहता है नहीं नहीं मैं हूँ मैं लिक्विड हूँ चिंता मत करो, तो आप कुछ भी नियम बनाओगे उसका एक्सेप्शन तभी के तभी सर पर खड़ा हुआ है। हम कहते हैं कि कार्बन एक नॉन मेटल है, ठीक है, नॉन मेटल्स तो गैसियस होते हैं, अच्छा कार्बन आ गया, कार्बन कहते हैं कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन का डायमंड, कार्बन दो फॉर्म्स में मिलता है ग्रेफाइट और डायमंड, तो वो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं, एक एक्सेप्शन तेरे को दे दिया तू सॉलिड है ना, और बोल और कुछ है मेटल वाली प्रॉपर्टी बता बता कुछ है ना, स्ट्रॉन्ग है तू, वो कहता है स्ट्रॉन्ग इतना स्ट्रॉन्ग हूँ इतना स्ट्रॉन्ग हूँ कि रोड रोलर को भी के ऊपर, रोड रोलर को अगर मतलब ज़मीन पर उसको सड़क पर बिछा कर रोड रोलर के ऊपर भी चला दिया जाए, रोड रोलर चला दिया जाए तो क्या होगा, वो चूर चूर नहीं होगा, वो सड़क को तोड़ देगा, रोड रोलर का जो वो हिस्सा है ना उसको तोड़ देगा, लेकिन खुद नहीं टूट सकता, हथौड़ा मारोगे हथौड़ा टूट जाएगा, डायमंड ही टूटेगा, नकली डायमंड है, आधे से ज़्यादा तो मार्केट में नकली चल रहा है, ठीक है, तो जो असली वाला डायमंड है, असली डायमंड जो है उसकी जो पहचान है वो पहचान ही ये होती है, जो गोल्डस्मिथ भी होता है ना सुनार, वो उसकी पहचान ही उस पर हथौड़ी मार्कर करता है, हालांकि उनकी हथौड़ी कोई बहुत हैवी नहीं होती है ना, छोटी हथौड़ी होती है, तो वो उसको मार कर 3-4 बार 5 बार 6 और बल्कि उसके जो शार्प एजेस है उस पर चेक करेंगे कि शार्प एज तो चलो टूट ही जाएगा, है ना, अगर वो भी नहीं टूट रहा तब बोलते हैं कि अब बता दो कितने का है, ठीक है, अब हम इसकी कीमत देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो असली डायमंड है, तो डायमंड जो है उसके लिए ये कहा जाता है कि वो हार्डेस्ट मटीरियल है ऑन दिस अर्थ, डायमंड से ज़्यादा हार्ड कुछ भी नहीं है, अच्छा टफनेस की डेफिनेशन बताओ, टफनेस और हार्डनेस में अंतर क्या है, तीन चीजें बोल रहा हूँ, तीन चीजें, एक तो टफ, एक हार्ड और एक स्ट्रॉन्ग, इन तीनों चीजों को बताओ। सर स्ट्रॉन्ग का वैसे नहीं बता सकता, हार्ड का जैसे ये है
ग्लास बॉटल जैसे फ्रैजाइल होता है, अगर आप गिराते हो तो वो फ्रैजाइल होता है, वो टफ नहीं होता, वो हार्ड होता है टफ नहीं होता। प्लास्टिक बॉटल को गिराओ वो फिर भी आपका जैसे डीकम्प्रेस हो सकता है, लेकिन वो फिर भी आपको रिफॉर्म कर सकता है। चलो ठीक है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं एक चीज़ समझाऊंगा आपको कि जब हम टफनेस की बात करते हैं ना, तो टफनेस में हम टफनेस की जो सिनोनिम है वो है रिजिडिटी। रिजिडिटी रिजिडिटी क्या है? रिजिडिटी इज जस्ट लाइक कि अगर मान लीजिए हम अपने इस जॉइंट की बात करने लगे, ये जो हमारा जॉइंट है जो एल्बो है, तो यहाँ पर मूवमेंट के लिए एयर स्पेस है, इसीलिए हम झटके से ऐसे करेंगे तो चटक भी जाएगा, हमारी उंगलियाँ जो है जॉइंट से चटकती हैं क्योंकि उसमें एयर स्पेस है। इस वजह से अगर मैं इसको बोन को इस जगह से हम कहें कि नहीं यहाँ से भी मैं मोड़ना चाहता हूँ, तो मुड़ जाएगी क्या? नहीं मुड़ेगी, वो रिजिड है, और आपने ज़्यादा जोर लगाया वो बेचारी हड्डी टूट जाएगी लेकिन वो मुड़ेगी नहीं। ठीक है, वही चीज़ टफनेस की है कि कोई चीज़ अगर टफ है तो वो मूव नहीं करेगी, आप उसको मोड़ने की कोशिश करो मुड़ेगी नहीं टूट जाएगी। इसको तो टफनेस को तो अलग हटा दो। अब आ जाते हैं हार्डनेस पर। हार्डनेस का मतलब क्या होता है? एनीथिंग, जो हार्डनेस की केमिस्ट्री में जो डेफिनेशन है वो बता रहा हूँ, वैसे तो हो सकता है अलग अलग तरीके से समझें, लेकिन हार्डनेस की केमिस्ट्री में जो रिटन डेफिनेशन है वो ये है, एनीथिंग दैट कैन नॉट बी कट विद अ नाइफ इज सेट टू बी अ हार्ड मटेरियल। कोई भी चीज़ जिसको चाकू से काटने की कोशिश करें और वो ना कटे उसको हम हार्डनेस बोल देते हैं। तो इसलिए ये कहा जाता है कि ये हार्डेस्ट मटेरियल है, जो डायमंड है ये हार्डेस्ट मटेरियल है, इसको आप दुनिया के किसी भी मटेरियल के चाकू से काट लो ये कटेगा नहीं। अगर डायमंड का ही चाकू बनाया है तो कट जाएगा, नहीं तो नहीं कटेगा। ठीक है, डायमंड जो है, हीरा जो है, उसको हीरा हीरे से ही काटा जाता है और किसी चीज़ से नहीं काटा जाएगा। आप अगर लोहे का चाकू ले आओगे वो लोहे का चाकू टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, लेकिन डायमंड को फर्क नहीं पड़ेगा। हम आते हैं तीसरी चीज़ पर, टफनेस समझ में आ गया। टफनेस इज समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू रिजिडनेस, कि कोई चीज़ कितनी रिजिड है। आप उसको मूव कर रहे हैं वो मूव तो नहीं होगी लेकिन टूट जाएगी। उसके बाद बात करते हैं हम हार्डनेस की दोबारा। हार्डनेस का मतलब होता है कि एनीथिंग दैट कैन नॉट बी कट विद अ नाइफ इज कॉल्ड हार्ड मटीरियल। फिर आ जाइए स्ट्रांगनेस पर। तो स्ट्रांगनेस का मतलब होता है, केमिस्ट्री की टर्म्स में बताऊंगा दोबारा से, स्ट्रांगनेस का मतलब होता है एनीथिंग इज सेट टू बी स्ट्रांग विच इज़ कैपेबल ऑफ होल्डिंग वेट्स, जो वजन उठा सके उसको हम बोलते हैं स्ट्रांग। तो डायमंड एक्सट्रीम लेवल का लोड भी उठा सकता है, लोड कैरिंग कैपेबिलिटी जबरदस्त होती है उसकी, आयरन से भी ज़्यादा होती है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि डायमंड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, मतलब बहुत ज़्यादा लोड उठा सकता है, और डायमंड सबसे ज़्यादा हार्ड है, काटो तो कटता ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अच्छा, अब हम आ रहे थे इस पर, एटॉमिक मास पर। तो एटॉमिक मास में जितना लिख लिया ना, इतने एलिमेंट्स का एटॉमिक मास सफिशिएंट है हमारे लिए। इसके बाद आप लिखेंगे हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, हेडिंग डाल लीजिए, क्वेश्चन मार्क लगा लेना उस पर और लिखिएगा एटम्स यूजुअली एग्जिस्ट इन टू वेज। एटम्स यूजुअली एग्जिस्ट इन टू वेज, दो तरीके से एटम्स एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट आप देखें इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। दूसरा लिखें इन द फॉर्म ऑफ आयंस, इन द फॉर्म ऑफ आयंस। उसके बाद हेडिंग डालिएगा मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स। इसमें नोट कीजिएगा, अ मॉलिक्यूल इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ
इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स group of two or more atoms chemically bonded together जैसा आपको मैंने एक बार पहले भी बताया था कि मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या होता है कि जब हम एटम्स को बॉन्ड कर देते हैं एटम्स को ज्वाइन कर देते हैं आपस में तो मॉलिक्यूल बन जाता है ठीक है तो मॉलिक्यूल इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर दो या दो से ज़्यादा एटम्स को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो वो एक मॉलिक्यूल तैयार हो जाता है उसके बाद उसके बाद आप देखेंगे मॉलिक्यूल्स हेडिंग डालेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स इसमें लिखिएगा द मॉलिक्यूल ऑफ एन एटम कंटेन्स टू और मोर सिमिलर एटम्स of an element contains two or more similar atoms chemically combined together contains chemically combined together. अच्छा जो ये वाला बॉन्ड है ना जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो आपका कोवेलेंट बॉन्ड होगा है ना बॉन्ड्स को हम डिटेल में करेंगे ठीक कभी भी यहाँ पर ये होगा ही नहीं कि ये आपस में आयनिक और कोवेलेंट का अंतर मालूम है आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड का अंतर मालूम है जितने भी हैं ना ये सारे के सारे शेयरिंग वाले तो फिलहाल तो आप ये समझ कर चलिए कि हम सिर्फ एलिमेंट्स को कंबाइन कर रहे हैं किस तरह से कर रहे हैं वो डिटेल में करेंगे इसी चैप्टर में करेंगे ठीक है करवा दूँगा एग्जाम्पल हाइड्रोजन गैस कंसिस्ट ऑफ consists of H2 molecules hydrogen gas consists of H2 molecules and not of single atoms H हाइड्रोजन गैस कंसिस्ट ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स एंड नॉट ऑफ सिंगल एटम्स H तो हाइड्रोजन गैस जो है हाइड्रोजन गैस में हमेशा H2 मॉलिक्यूल होता है H2 मॉलिक्यूल का मतलब क्या है यहाँ पर कि भाई हाइड्रोजन जो है वो कंबाइन कर गया हाइड्रोजन के साथ तो जब कोई भी एक एलिमेंट खुद के साथ ही कंबाइन कर जाता है मतलब सेम एटम जब आपस में कंबाइन करते हैं तो हम उसको बोल देते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कि वो एक ही एलिमेंट का मॉलिक्यूल है अच्छा जब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड की मैं दूसरा करवाऊँगा अभी मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड तो उसमें एटम्स जो है वो अलग अलग एलिमेंट्स के जुड़ते हैं तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा तो H2 हो गया एक एग्जांपल ये है एग्जांपल 1 ऐसे इसी का एक और एग्जांपल भी लिख लो
Similarly, nitrogen gas exists as N2 molecules. Similarly, nitrogen gas exists as N2 molecules and oxygen gas has O2 molecules. Oxygen gas has O2 molecules. So, ये तो example हुआ molecules of elements का. इसी में नोट करके एक पॉइंट और लिखना, इसमें लिखेंगे द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट is called its atomicity. Is called its atomicity. A one molecule of an element. तो किसी भी element के अगर एक molecule की बात करी जाए तो उसमें जितने भी atoms मौजूद होते हैं उसको उसकी atomicity बोल देते हैं. जैसे H के आगे 2 लिखा हुआ है तो hydrogen की atomicity 2 है. O के आगे 2 लिखा हुआ है तो ऑक्सीजन की एटोमिसिटी 2 है. N के आगे 2 लिखा हुआ है तो उसकी एटोमिसिटी 2 है. ठीक है. इसके बाद मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स सेकंड लिखेंगे. जैसे ये था मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, ऐसे ही एक हेडिंग डालेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स. Different kinds of atoms chemically combined together. Chemically combined together. Example HCl. HCl इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. या अगर कॉमन जो इसका केमिकल नेम है वो लिखें तो हाइड्रोजन क्लोराइड. एक तो ये हो गया, दूसरा H2O वाटर हो गया. फॉर एग्जांपल CO2. ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड. तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन जुड़ रहे हैं, यानी कि अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स जुड़ रहे हैं.
यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ रहा है, अगेन अलग अलग एलिमेंट्स जुड़ रहे हैं, और ऐसे ही कार्बन और ऑक्सीजन है, तो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स जुड़ रहे हैं यहाँ पर। तो जब अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स जुड़ते हैं तब उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, और जब भी सेम एलिमेंट के एटम्स जुड़ते हैं तो उसको बोल देते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, इसके बाद वो कॉन्सेप्ट तो करना नहीं है, आयंस करना है, इंटीग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास उसको करेंगे बाद में। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आयंस। इसमें लिखिएगा एन आयन इज अ पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। Yeah, nice.